अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। आम लोगों के लिए बड़ी खबर, सोने से जुड़ी हुई बड़ी खबर। जी हां, वाणिज्य मंत्रालय ने गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का प्रस्ताव दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक इंपोर्ट ड्यूटी को 7.5% से घटाकर 4% करने का प्रस्ताव दिया गया है। वहीं इंडस्ट्री की माने तो इंपोर्ट ड्यूटी घटाने से सोने की कीमतों में गिरावट आएगी। ऐसे में एक झटके में सोने के दाम 3.5% तक कम हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि अगर सरकार वाणिज्य मंत्रालय की सिफारिशों को मान लेती है तो इसका सीधा असर सोने की तस्करी कम करने के रूप में देखा जाएगा। आप सभी को बता दें कि इससे पहले सरकार ने बजट में सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई थी। वहीं पहले इंपोर्ट ड्यूटी को 12.5% से घटाकर 7.5% कर दिया गया था। अब इसके बाद 7.5% से घटाकर 4% करने का प्रस्ताव दिया गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंपोर्ट ड्यूटी घटने से सोना और चांदी और सस्ता हो जाएगा और ऐसे में एक झटके में सोने की कीमतें 3.5% तक लुढ़क सकती हैं। इसी के साथ ऐसा करने से निवेशकों की भी भागीदारी ट्रेडिंग में बढ़ेगी और इस क्षेत्र में संगठित कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। केवल यही नहीं बल्कि इससे स्मगलिंग भी रोकने में मदद मिलेगी। सरकार का यह कदम बुलियन इंडस्ट्री और निवेशकों के लिए बेहतर साबित हो सकता है। आपको बताते हैं कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ताज़ा रिपोर्ट क्या बताती है। दरअसल वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि दिसंबर तिमाही में त्योहार और शादी के चलते गोल्ड की डिमांड जोरदार आई है। इस वजह से एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि गोल्ड की मांग 10 साल के रिकॉर्ड स्तर को तोड़ सकती है। आप सभी को हम ये भी बता दें कि देश में सोने की जितनी खपत होती है उसका अधिकांश हिस्सा विदेशों से खरीदा जाता है। बीते कुछ साल के दौरान किसी भी वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में सोने के आयात के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2014-15 में अक्टूबर से दिसंबर के दौरान 339.3 टन सोने का आयात हुआ था। अब WGC का कहना है कि इस बार 10 सालों का रिकॉर्ड टूटेगा, यानी आयात का आंकड़ा भी बढ़ेगा। वहीं दूसरी तरफ WGC के CEO का कहना है कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े बाजार भारत में पीली धातु की मांग प्रमुख रूप से सराफा और अशुद्ध सोने के आयात पर अधिक निर्भर है। मौजूदा बाजार संकेतों को देखकर उम्मीद है कि 2022 में सोने का आयात इस साल के मुकाबले मजबूत होगा और इसकी प्रमुख वजह अर्थव्यवस्था में तेजी से आभूषण की मांग बढ़ना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।